हेलो एवरीवन, चैनल के अंदर हम लोग बात करेंगे, मैं जो भी डेली रूटीन में करती हूँ उसके बारे में बात करेंगे, कुछ चैलेंजेस करेंगे, कुछ बेसिकली अभी स्टार्टिंग है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, जैसे जैसे करती जाऊँगी वैसे वैसे मुझे आइडियाज़ आते रहेंगे और मैं ये काम करती जाऊँगी। ओके सो अभी हम उठे हैं, सुबह के बज रहे हैं 8। ओके सो अभी जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, आज मंडे है तो आज मंदिर में जाएंगे। ओके और फास्ट होता है मेरा मंडे को, सो मंदिर में जाएंगे, थोड़ा सा जो कबूतर होते हैं उसको चंद डालने के लिए मैं जाती हूँ तो वो भी जाएंगे और सब कुछ करेंगे। सो मिलती हूँ मैं आपको फ्रेश होके, रेडी होके, तैयार होके। ओके सो चलिए। ओके तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। ओके एंड चलिए अभी रेडी होता है, थोड़ा सा हेयर वेयर कर देते हैं। ओके तो आई एम रेडी, मैंने इयररिंग्स नहीं डाले हैं क्योंकि अभी शादी हुई थी उस वक्त मैंने थोड़े से हैवी झुमके पहने थे तो यहाँ इस ईयर में नहीं पर इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दर्द अभी भी है पीछे की तरफ से, सो मैंने इसलिए निकाल दिए हैं काफ़ी दिनों से, तो जब ठीक हो जाएगा तो फिर मैं इयररिंग्स डाल दूँगी। ओके अब तक नहीं डालूँगी। सो आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभार शादी या फिर कोई फंक्शन हो और आपने कुछ पहना हो हैवी सा और फिर आपको भी अगर दर्द हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखे यस ऐसा होता है, क्योंकि मैं ही अकेली ऐसी नहीं हूँ जिसके साथ ये सब होता है। ओके सो चलिए चलते हैं, हम टेंपल पे जाएंगे और थोड़ा बहुत काम करेंगे फिर वापस आते हैं घर पे, तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। अब हम मंदिर आ चुके हैं, दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से, ओम नमः शिवाय, हे शंकर, हे भोलेनाथ, तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। देन मैं नीचे आ गई यहाँ पीपल के पेड़ के पास, कहते हैं ना कि पीपल के पेड़ के प्रदक्षिणा करने से जो पूर्वजों का कोई भी हमारा जीवन दोष होता है वो निकल जाता है, तो मैंने यहाँ पे 11 बार प्रदक्षिणा की पीपल के पेड़ के नीचे। ओके बाज़ार में आई हूँ जहाँ पे 20 रुपीज़ की कुछ चीज़ें मिलती है, तो मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए थी जो छोटी छोटी होती है और यूज़फुल होती है, तो चलिए मैं पहले वो ले लेती हूँ जल्दी से। ओके वहाँ से अब मैं घर पर आ चुकी हूँ, ये लिफ्ट, और चलिए प्रेस करते हैं बटन। ओके तो फाइनली मैं घर पर आ चुकी हूँ, मैंने मंदिर में भी गई थी, वहाँ पे मैंने दर्शन कर लिए, फिर मैं जो कबूतर होते हैं उनको दाना डालने के लिए गई थी, वहाँ से भी आ चुकी हूँ। ओके सो फाइनली हम घर पर पहुँच चुके हैं, अभी क्या करें, घर पर अकेले होकर व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि 2-3 लोग होते हैं तो बातें होती है, थोड़ा कुछ काम करते हैं या फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन अकेले मैं क्या करूँ। तो अब देखेंगे हम टीवी थोड़ी देर के लिए, फिर खाना खाऊँगी और फिर मैं अगर शाम को कहीं पर अगर जा सकती हूँ, मानसून है, बारिश की सीज़न है तो बाहर नहीं जा सकती, अभी रेनी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो मैं जाके आई हूँ, लेकिन शाम तक शायद हो जाए तो फिर मैं बाहर नहीं जा सकती।
शाम को अब मैं बाहर निकली हूँ, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है आप देख सकते हो। ओके, और अब हम जाने वाले नाश्ता खाने के लिए। वैसे तो मेरा फास्ट है तो मैं कुछ खाने वाली नहीं हूँ, सिर्फ चाय या कॉफ़ी पीऊँगी। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो चलिए जाते वहाँ पे। क्या खाते वो अभी तक तय नहीं किया है, तो देखते रास्ते में क्या आता है और कहाँ जाने का हमारा मन करता है। और ये हम पहुंच गए गाठियारत, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा नाश्ता मिलता है। वैसे रोहित को भी हल्का फुल्का ही खाना था इसलिए उन्होंने ये चूज़ किया। चलिए चलते हैं अंदर। ओके, ये रहा मेन्यू और रोहित ये मेन्यू देख रहे हैं। मैंने अपनी कॉफ़ी मंगवा ली है और ये आ गई है मेरी कॉफ़ी। और रोहित सोच रहे क्या खाऊँ वैसे तो, लेकिन वो कुछ हल्का फुल्का ही खाना चाहते इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। देखते वो क्या सिलेक्ट करते हैं। ये व्यू है पूरे ये होटल का, होटल तो नहीं कह सकते, वैसे ये नाश्ते का खाने पीने का स्टोर है। मैं अभी चुस्की ले रही हूँ अपनी कॉफ़ी की और रोहित दाबेली लेकर आ रहे हैं अभी है? और ये आ गई उनकी दाबेली। वैसे वो आधी खा चुके हैं, एक आध खाई पी चुके हैं। अब हम चलेंगे घर की ओर, तो चलिए जाते हैं घर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कहना और कमेंट सेक्शन में लिखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। और दिस कॉल ऑफ ब्लॉग्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।